गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज 8th अगस्त, सब्जेक्ट हिंदी। आज हिंदी में हम पहले स्वर और फिर व्यंजन क से ज्ञ तक लर्न करेंगे। ओके, हिंदी में पहले हम क्या करेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला में क्या आता है, स्वर। ओके, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर में हमने क्या किया था, आ से आहा था, आ से आहा था। और व्यंजन में हम क्या करेंगे, क से गया था, क से गया था। ओके, तो पहले अ से आह तक मैं लिखने की प्रैक्टिस कराती हूँ आज, ठीक है। अ से आह तक तो हम इसमें लिखेंगे टू डबल लाइन में। हिंदी को हमेशा ऑलवेज यूज टू डबल लाइन, टू डबल लाइन नोटबुक। ओके, तो हम ऐसे बनाएंगे पहले और उसमें इस तरह से डॉट बना देंगे। आपको ऐसे वर्कबुक भी आएगी, स्टेशनरी में आप पूछिएगा कि हिंदी की राइटिंग प्रैक्टिस की वर्कबुक है तो वो देंगे। आप तब तक घर में रह के अपने पेरेंट्स जैसे डॉटर बना के भी कंप्लीट करके भी आप सीख सकते हैं। फिर छोटा, फिर ऐसे बड़ा हाँ बनाएंगे, उसमें एक मात्रा लगा देंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बना कर लिखेंगे तो बड़ा हाँ बन जाएगा। फिर छोटी ऐसे ऐना,
आई से एन, ओ से ओके, बड़ा बना लेंगे, बड़ा कंप्लीट करें, उसमें एक मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया ये, ओ से ओके, ओ से ओके, फिर बड़ा उसे और उसे और ये हमसे अंगूर, आहा हाली, आहा हाली। ओके, तो पहले हम राइटिंग प्रैक्टिस करके इसकी करेंगे। वर्णमाला में क्या आता है, स्वर, स्वर में आहा से आ से आ तक आज हमने उसकी क्या की है, राइटिंग प्रैक्टिस की है। ठीक है, पहले आप डॉट डॉट बना के कंप्लीट करिए, फिर डॉट करके उसको कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको रोज डेली ऐसे करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब मुझसे बोलिए फटाफट, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईट, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से एन, ओ से ओकली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली। ओके, अब हम व्यंजन करेंगे क से न तक। ये आपको मैंने चार्ट पेपर कहा था कि चार्ट पेपर रखिएगा, तो चार्ट पेपर में ऊपर तो हमारे स्वर है और नीचे क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। ओके, तो व्यंजन में क्या आता है, क से आता है। तो क से देखिए, क से कबूतर, व्यंजन में क्या आएगा, क से कबूतर, क से कमल भी होता है, क से कबूतर, क से कमल, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गणपति, ग से गणपति, ग से गमला भी होता है और क से गणपति, ग से घर, घ से घर, न्याखली, च से चम्मच, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, न्याखली। ओके, क से कबूतर, क से कबूतर, ह से खरगोश, ग से गमला, ग से गमला, घ से घर, न्याखली, च से चरखा, च से चम्मच, च से चरखा, च से चम्मच, छ से छतरी, छ से छतरी भी होता है, छ से छत भी होती है। ठीक है, जो हम इंग्लिश में टेरेस बोलते हैं ना, उसको छत छत भी कहते हैं। ज से जग भी होता है, जग में पानी भरते हैं, तो ज से जग होता है, और ज से जहाज होता है जिसको हम इंग्लिश में शिप कहते हैं, पानी में देखा होगा शिप, उसको हम ज से जहाज भी बोलते हैं। झ से झंडा, झ से झंडा, न्या खाली, फिर से, क से कबूतर, क से कमल, ख से खरगोश, खरगोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैबिट, जो सफ़ेद रंग का होता है, ग से गमला भी होता है जिसमें मम्मी लोग प्लांट्स लगाते हैं ना, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो ग से गणपति, ग से गणपति, ग से गमला भी होता है, घ से घर, हम जब अपने घर में रहते हैं ना, तो घ से घर, निया खाली, च से चम्मच, च से चम्मच, छ से छतरी, जो अभी रेनी सीजन में हम क्या लगा रहे हैं, छ से छतरी, छ से छतरी। और गांधी जी ये चरखा कौन यूज करता था, गांधी जी यूज करते थे, उसमें स्पून का वो काम करते थे, तो छ से चरखा भी होता है, और स्पून, स्पून यानी छ से चम्मच जिसको हम स्पून कहते हैं, दाल राइस खाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ खाने के लिए चम्मच का यूज़ करते हैं ना, तो छ से चम्मच भी हो सकता है और छ से चरखा भी होता है, छ से छत भी होता है और छ से छतरी भी होता है, छ से जग, जग में हम क्या डालते हैं, पानी, जग, छ से जग, छ से जहाज भी होता है, पानी में जो जहाज चलता है उसको हम क्या कहते हैं, छ से जग, छ से जहाज, छ से झंडा। आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन हम लोग झंडा रोहण करते हैं ना, झंडा लगाते हैं ऐसे करके, तो हम झंडा, ज से झंडा, झंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल फ्लैग, क्या बोलते हैं, नेशनल फ्लैग। ओके, और झ से झरना भी होता है, झरना जो पानी का पानी गिरता है ना, उसको झ से झरना भी कहते हैं, निया खाली,
ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर। लाला सब मम्मी सब्जी में टमाटर डालती है कि नहीं डालती है, तो ट से टमाटर, ठ से ठटेरा भी होता है, जो बर्तनों पर ठक 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 करता है उसको ठ से ठटेरा भी कहते हैं। और इसमें लिखा है ठ से ठग, जो चोरी करके हमारा सामान लूट ले जाता है उसको ठ से ठग। ड से डब्बू, जब बंदर का नाचना चाहते हैं तो कुछ भी करते हैं तो हम डब्बू का यूज करते हैं, डब 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 होता है, तो ड से डब्बू। ढ से ढोला, ढ से ढक्कन भी होता है, जो हम सब्जी बनाते वक्त कुछ भी चीज कोई भी चीज़ में ढकते हैं उसको हम ढ से ढक्कन भी कहते हैं। और ढ से ढोलक भी होता है, ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक। निया खाली, निया खाली। त से तरबूज, तरबूज यानी वाटरमेलन, त से तरबूज, त से तरबूज, तरबूज यानी वाटरमेलन। थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थर्मस। द से दवाई, द से दवाई, द से धनुष, द से धनुष, न से नल, न से नल। ओके, द से दवाई कहते हैं, द से दवात भी होता है इंग्लिश में, हमने द से इंकपॉट कहते हैं ना, इंकपॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दवात, क्या बोलते हैं, दवात। और वैसे आपको इजीली याद हो जाएगा तो द से दवाई। ओके, द से दवाई, द से धनुष, न से नल। ओके, फिर से बोलो, द से, द से तरबूज भी होता है और त से तलवार भी होता है, त से तरबूज और त से तलवार। थ से थर्मस, थ से थर्मस, द से दवाई, द से दवाई, द से धनुष, ध से धनुष, न से नल, न से नल। ओके, फिर से करते हैं, क से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, घ से गणपति, घ से घर, मिया खाली। च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा, मिया खाली। ट से टमाटर, ख से ठटेरा, ड से डमरू, घ से ढोलक, न्या खाली। द से तरबूज, ख से थर्मस, द से दवाई, ध से धनुष, न से नल, न से नल। ओके, ये हमारे क्या हुए, व्यंजन हुए। ओके, अब हम इसको लिखते हैं, ये भी हमने स्वर लिखा था, अब हम व्यंजन करते हैं। टमाटर, ठ से ठटेरा, ट
ओके। ट से तलवार, ह से थर्मस, ध से दवार, ध से धनुष, न से नर, ओके। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, म्या खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, म्या खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन या ढोलक, म्या खाली, त से तलवार, थ से थर्मस, ध से दवात, घ से धनुष, न से नल। तो आज केवल आप होमवर्क में अ से आ तक की राइटिंग प्रैक्टिस करिए, व्यंजन हम ओरली लर्न करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।